एवरीवन नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ अपना स्टेनलेस स्टील कलेक्शन। नॉट एग्जैक्टली स्टेनलेस स्टील, मेरा जो भी मैं कुकिंग यूटेंसिल्स यूज करती हूँ उनका एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। तो इसमें से काफ़ी सारे स्टेनलेस स्टील के बर्तन मेरे पास 2 साल से भी ज़्यादा हो चुका है तब से मैं यूज़ कर रही हूँ। सो आई थिंक आई एम एट अ गुड स्टेज जहाँ मैं जज कर सकती हूँ, और मेरे पास सब अलग अलग ब्रांड्स के बर्तन हैं। सो यस, आज मैं आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर करने वाली हूँ माई टॉप 15 और 16, आई डोंट नो कितने हैं, बट माई टॉप -- यूटेंसिल्स कुकिंग वाले जितने भी हैं। इसमें एक आध दो कास्ट आयरन की भी चीज़ें हैं, तो वो भी मैं शेयर करूंगी। 2-2.5 साल पहले तक जो इंसान मेकअप की चीज़ों का रिव्यू करता था, आज वो बर्तनों का रिव्यू कर रहा है। लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर्स दे देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जितने भी बर्तन हैं ये एकदम रॉ फॉर्म में रहने वाले हैं। रॉ फॉर्म बोले तो ये जैसे हैं मैं इनको वैसे ही लेकर के आ गई हूँ। स्टेनलेस स्टील के बर्तनों में अगर आप यूज़ करते हो या नहीं करते हो तो मैं बता देती हूँ, इनमें कुछ रिएक्शन होता है खाने के साथ, क्योंकि हम लोग इंडियन कुकिंग में बहुत सारे अलग अलग तरह के मसाले यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से स्टेनलेस स्टील में एक रेनबो कलर का फॉर्मेशन होता है। वो कलर फॉर्मेशन परमानेंट नहीं होता है, ये कुछ एसिडिक रिएक्शन होता है जिसकी वजह से वो आ जाता है, बट ये चला भी जाता है। बट कुछ बर्तनों में है वो रेनबो फॉर्मेशन, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कैसा दिखता है। कुछ बर्तन बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं है तो मुझे जज मत करना, क्योंकि मेरे बर्तन जो है वो भी मेरा पति साफ कर रहा है, और जब ज़्यादा जल जाते हैं कुछ हो जाता है तो मैं क्लीन करती हूँ। बट क्योंकि अभी हमारी ड्यूटीज डिवाइडेड हैं तो बर्तनों की उसकी रहती है, अभी वो बैठ करके प्यार से कर सकता है इस तरह से, तो वो जैसे करता है वैसा काम चलाओ हो रहा है। तो कुछ बर्तन मेरे थोड़े ख़राब भी हो सकते हैं, बट मैंने बहुत अच्छे से उनको मेंटेन करके रखा हुआ है, तो कुछ भी चीज़ों के लिए जज मत करना। तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इस छोटू से पैन के साथ। तो ये है एक स्टेनलेस स्टील का पैन जो कि मैंने अभी रिसेंटली परचेस किया है, मुझे हार्डली आई थिंक 10-15 डेज हुए हैं बस उस बट सारी बार यूज़ कर चुकी हूँ। तड़का लगाने में, दाल में तड़का लगाना होता है, किसी सब्जी में तड़का लगाना होता है, उसमें मैं यूज़ करती हूँ। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का स्टेनलेस स्टील बर्तन है ये, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इसकी बिल्ड है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। एंड ये देखिए इसका हैंडल जो है, इट्स वेरी वेरी गुड। इवन जब आप इसको गैस पर रख देते हैं ना, तो ये हैंडल जो है ये ऑटोमेटिकली अपना अपने आप को फिट कर लेता है, मतलब ऐसे लुढ़कता पुड़कता नहीं है। सो दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोडक्ट। सबकी जो प्राइजेज है वो स्क्रीन पर मैंशन कर दूंगी मैं, ताकि आपको भी पता चल जाए। कमिंग टू माई सेकेंड प्रोडक्ट इज दिस कढ़ाई। सो ये जो कढ़ाई है ये इसके लिड के साथ मैंने लिया है, एंड दिस इज फ्रॉम एल्डा। ये मैंने ऑनलाइन परचेस करी थी। दिस इज अ 22 सेंटीमीटर स्टेनलेस स्टील ट्रिपल प्लाई कढ़ाई। जो ट्रिपल प्लाई कढ़ाई होती है, जो बर्तन होता है ट्रिपल प्लाई, वो क्या होता है, इनमें ऊपर स्टील होता है, नीचे स्टील होता है, और बीच में एल्यूमिनियम होता है। तो इससे जो हीट है वो बहुत यू नो इवनली स्प्रेड होती है पूरे बर्तन में, और इसलिए थोड़े हैवी बेस बर्तन होते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं। बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि खाना चिपकता है कि नहीं चिपकता है आपके स्टेनलेस स्टील के बर्तन में। मैं तो अब मतलब ढाई साल से यूज़ कर रही हूँ, आपको एक हैबिट हो जाती है ऑटोमेटिकली कि आपको कैसे किस टेम्परेचर में कुक करना है। अगर आप मीडियम टू लो फ्लेम में कुक करेंगे आपका खाना कभी नहीं चिपकेगा, चिपक भी जाएगा जल भी जाएगा तो बहुत ईजिली क्लीन हो जाती है। आप देखो मेरी जो ये जो कढ़ाई है ये कम से कम 500 बार हम लोग जला चुके हैं, या तो इसमें चावल जला दिए, या तो हमने कोई सब्जी जला दी है, या हम कुछ रख के भूल गए हैं, या हमने रबड़ी जला दी है, मतलब कुछ ना कुछ तो हमने इसमें जलाया ही जलाया है, और ये हर बार बहुत ईजिली क्लीन हो जाती है। ये देखिए कितनी बढ़िया चमक रही है ना, लग ही नहीं रहा है कि ये 2 साल पुरानी कढ़ाई है। इस लिड की बेस्ट पार्ट ये है कि इसको मैं कितनी भी देर इसके ऊपर रखती हूँ ना, इसका ये जो हैंडल है ये कभी गर्म नहीं होता है, मतलब कभी भी गर्म नहीं होता। मुझे कोई कपड़ा या कोई सनसी चिमटे की ज़रूरत नहीं पड़ती इसके हैंडल को हैंडल करने के लिए। इवन इसके ये हैंडल्स भी गर्म नहीं होते हैं, विच इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कढ़ाई। तो मेरी डे टू डे कुकिंग के लिए मैं इसको बहुत यूज़ करती हूँ। ये है, दिस इज़ फ्रॉम एल्डा, क्लीन करने में बहुत ईजी है ये कढ़ाई। नाउ कमिंग टू माई नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि ये है मेयर का फ्राइंग पैन। दिस इज़ अ 26 सेंटीमीटर फ्राइंग पैन, स्टेनलेस स्टील का पैन है। दिस इज इंडक्शन फ्रेंडली, ये जो कढ़ाई है दिस इज इंडक्शन फ्रेंडली कढ़ाई प्रोडक्ट, ये भी इंडक्शन फ्रेंडली है, फ्लैट बेस है इसका, एंड अगेन ये भी ट्रिपल प्लाई स्टेनलेस स्टील का पैन है, मेयर का है ये, काफ़ी ज़्यादा हैवी है। इसका बेस्ट पार्ट ये है कि इसके हैंडल में देखिए यहाँ पर ऐसे सिलिकॉन का हैंडल लगा हुआ है, सो दैट अगर आपका ये कभी गर्म हो जाता है तो पकड़ने में ईजी रहता है, यहाँ पर हीट नहीं आती है, और ये भी काफ़ी अच्छा है, इसको भी मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। ये जो पैन है ये मैंने सेट में परचेस किया था इस कढ़ाई के, जो मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो
इसमें इस तरह से लिड आती है, आप चाहे तो इस लिड को यूज कर सकते हैं, आप विदाउट लिड भी यूज कर सकते हैं, बट आई प्रिफर कुकिंग विथ लिड। तो इसके जो लिड है, आप इस लिड की क्वालिटी देखिए, इतनी शानदार क्वालिटी है। आप देखिए कितना हैवी ग्लास है ये, और बहुत अच्छी क्वालिटी की इसकी लिड है। तो ये है कंप्लीट बर्तन। ये आया था इस तरह की कढ़ाई के साथ में, मैंने लिया था। ये अगेन मेयर की कढ़ाई है और ये मेरे यहाँ सबसे बड़ी कढ़ाई है। ये 26 सेंटीमीटर है एंड वही स्टेनलेस स्टील, एंड अगेन दिस इज इंडक्शन फ्रेंडली। और ये इसके साथ का लिड है, बट वो फ्राइंग पैन में भी लग जाती है क्योंकि दोनों ही 26 सेंटीमीटर के हैं। तो ये इस तरह से कढ़ाई वर्क करती है। मैं हटा देती हूँ। या ये सारे बर्तन जो ट्रिपल प्लाई के होते हैं थोड़े एक्सपेंसिव आते हैं, बट दे आर वर्थ स्पेंडिंग देयर मनी। बट मैं, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मेरे को मेयर की कढ़ाई ज़्यादा पसंद है या मुझे एल्डा की कढ़ाई ज़्यादा पसंद है, तो आई वुड से मुझे एल्डा का जो स्टील है वो ज़्यादा पसंद आता है एज़ कम्पेयर टू मेयर का। क्योंकि इसमें जब कोई चीज़ चिपक जाती है ना, तो आई फाइंड इट डिफिकल्ट, नो मैटर मैं इसमें अंदर बेकिंग पाउडर, दुनिया जहान का सोडा पोडा, सब लेमन सब स्क्वीज कर देती हूँ, सब सॉल्यूशंस डाल देती हूँ, बट इसको क्लीन करने में बहुत डिफिकल्टी आती है। एंड अभी भी आप देखेंगे तो हल्के हल्के से इसमें ऑयल के जो स्टेन्स हैं वो है ही, जबकि मैं लिटरली बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ। इससे ज़्यादा मैं इसको यूज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। एंड इसको क्लीन करना इज वे ईजियर देन दिस वन। बट वेन इट कम्स टू द कंपेरिजन, मैंने जो मेयर के स्टील होता है, स्टील भी मतलब अच्छी क्वालिटी एंड वैसी क्वालिटी का होता है ना, तो जो शाइनिंग होती है बर्तनों में, ऐसा बोलते हैं स्टील के बर्तनों में जिनमें ज़्यादा शाइनिंग होती है, वो कोई एक केमिकल यूज़ करते हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल होता है। वो केमिकल ये मेयर यूज़ नहीं करता है, दैट्स वाई मेयर के जो बर्तन होते हैं वो काफ़ी जल्दी फेडेड लगने लगते हैं, अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग शाइनिंग ऑन वो। बाकी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लीन हो जाता है, बट वो जो चमकता हुआ होता है ना मिरर की तरह, वैसा नहीं होता है। बट आई लव दिस कढ़ाई एज़ वेल। ज़्यादा वो आता है जब भी मैं रोटी बनाने का दिखाती हूँ, तो लोग पूछते हैं आपका ये स्टील का, ये होम सेंटर पे अवेलेबल है टोला, हम लोग इसको चकोटा बोलते हैं, वैसे रोटी बेलने वाला चकोटा है ये, दिस इज स्टील का चकोटा। काफ़ी टाइम से मेरे पास है, आई थिंक 3 साल से मेरे पास है। पहले मेरे पास वही था वुडन वाला जो होता है, बट उसमें मुझे मज़ा नहीं आता था। इसका बेस बहुत ज़्यादा स्टर्डी है, ये बिल्कुल भी हिलता नहीं है, आपको इसके नीचे कुछ रखने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत अच्छी क्वालिटी का है। जो वुड के होते हैं, आप जब उनको डेली वॉश करते हो, उसमें से एक अजीब सी स्मेल आने लगती है, फंगस लग जाती है, और भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। मैंने लोकल मार्केट से लिया था, बट ये होम सेंटर पे इस तरह का अवेलेबल है। मैंने ये आई थिंक, मुझे जहाँ तक याद है, 599 या 499 ऐसे कुछ का लिया था, मतलब 500 रेंज का ही था, 500-600 के अंदर ही था। होम सेंटर पे जो मिल रहा है वो 700 कुछ का मिल रहा है, क्योंकि उसका जो ये बेस है ना वो भी स्टील का है, एंड मुझे अच्छी क्वालिटी का दिख रहा था। मैं लिंक दे दूंगी, अगर ऐसा कुछ मुझे अमेज़न पे मिलेगा ना तो मैं लिंक दे दूंगी, आप लिंक्स चेक कर लीजिएगा। प्रोडक्ट जो है ये बहुत ज़्यादा, मतलब हमारे जितने भी यूटेंसिल्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा हैवी क्वालिटी का कोई बर्तन है ना, तो वो यही है। ये अगेन मेयर का ट्रिपल प्लाई स्टेनलेस स्टील फ्राइंग पैन आप इसको बोल सकते हो। अगेन दिस इज इंडक्शन फ्रेंडली प्रोडक्ट होते हैं, उनमें यहाँ पर ऐसे सिलिकन हैंडल दिया रहता है, और काफ़ी ज़्यादा थिक बेस है। मतलब हैवी कुकिंग होती है ना, हैवी कुकिंग इन द सेंस मीन सपोज रबड़ी बनाना है, कितनी देर कुकिंग चलती है, 4 घंटे। अगर आपका रबड़ी का बर्तन तगड़ा नहीं है तो वो नीचे से जला देगा। छोले बनाना है, मसाले वाली कोई चीज़ बनानी है, तो आई यूज़ दिस पैन, दिस इज़ अमेजिंग, वन ऑफ माई, इफ़ यू आस्क मी योर फेवरेट यूटेंसिल, अगर आपको इनमें से कोई एक पैन पिक करना है जिसको आप हर चीज़ के लिए यूज़ करोगे, तो मैं ये वाला पिक करूँगी। ये इतनी अच्छी क्वालिटी का है, 110% रेकमेंडेड। मेरी कजिन्स लोगों ने इसको परचेज किया है, एंड दे लिटरली थैंक मी ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे। मतलब आपको कुकिंग से प्यार हो जाएगा, बर्तन अच्छे होते तो कुकिंग करने में मज़ा आता है। ये रेनबो कलर्स, नाउ दिस इज कॉल्ड एज रेनबो कलर, ये कोई परमानेंट नहीं है, कभी रेनबो कलर दूसरी कढ़ाई में आ जाता है, अभी उन कढ़ाइयों में नहीं है, वो क्लीन है। कुछ लोग मेरे को बोले थे कि अरे हमारे बर्तनों में रेनबो मार्क्स आ जाते हैं, इतना महंगा बर्तन है। इट्स नॉर्मल गाइस, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। नाउ वी हैव 3 कुकर्स नाउ। अब सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करती हूँ, ये है मीडियम साइज का कुकर, दिस इज 3 लीटर कुकर। अगेन दिस इज इंडक्शन फ्रेंडली, बहुत अच्छा कुकर है। आप इसके जो बेस है ना, इसको आप पैन की तरह भी यूज कर सकते हो। इफ यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन पैन्स, आप एक इस तरह का कुकर ले लो, तो इसका जो बेस है वो पैन का भी काम करेगा एंड आपके कुकर का भी काम करेगा। इसका भी काफी थिक बेस है, मतलब इसका जो बेस है इट्स वेरी वेरी थिक और काफी अच्छी क्वालिटी में है, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी में है। हमारा नेक्स्ट कुकर जो हमारा सबसे छोटा कुकर है, जो डेली में यूज होता है, क्योंकि हम 2 लोग हैं, दाल बनानी रहती है, आधी कटोरी हमारे यहाँ दाल बनती है, तो ये छोटा कुकर सबसे बेस्ट होता है डेली के लिए। ये है 1.5
5 liters, इंडक्शन फ्रेंडली है एंड ये ऐसी हांडी स्टाइल में है, कढ़ाई हांडी स्टाइल में है, साथ में ये लिड भी आई है। वही आप इसको एज अ हांडी भी सब्जी बघारने के लिए भी आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। तो ये मुझे काफी ज्यादा पसंद आया था इसका फंक्शन। तो ये है मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है, वो है ये छोटा सा सॉस पैन बोल सकते हो आप इसको, ये छोटा सा सॉस पैन है। ये बहुत ही छोटा है, जब हम लोगों को काढ़ा बनाना होता है, जैसे काढ़ा भी बहुत टाइम तक गैस पे रहता है, चाय बनानी होती है, उसके लिए ये बहुत बेस्ट है। समटाइम्स हम इसमें चावल भी बना लेते हैं, कभी कभी मैं इसमें बघार भी लगा लेती हूँ। इसका बेस बहुत ज़्यादा थिक है, अगैन दिस इज इंडक्शन फ्रेंडली और काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर इसका ब्लैक कलर का ऐसे हैंडल दिया हुआ है और ये अभी एक्चुअली कल पूरी तरह से जल गया था, क्योंकि इसमें ऑयल डाल करके हमने इसमें पापड़ तले थे। ठीक है, हम किसी में कुछ भी कर लेते हैं, पूरा जल गया था बट ये क्लीन भी बहुत ईजिली हो गया है। प्रोडक्ट आते हैं वो है ये। सो ये भी काफ़ी लोग बोलते हैं इसका लिंक दे दो। ये हमारा रोटी का तवा है, दिस इज अ आयरन तवा, जो एकदम लोहे वाले शॉप्स वाले नहीं होते, जो नीचे बैठते हैं स्ट्रीट पे मार्केट में रहते हैं, उनसे मैंने परचेस किया था। ये सिर्फ 250 रुपीज का है एंड ये बहुत सही है, मैं इसी पे बनाती हूँ, कोई रोटी चिपकती नहीं है, कुछ नहीं होता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पे। तो ये मैंने 3 का सेट खरीदा था होम सेंटर से, मैंने अपने किसी ब्लॉग में भी शेयर किया था। तो एक आया था ये पैन, एक आया था ये पैन और सब लिड के साथ आया था, और एक आया था, एक और बताती हूँ, एक आया था ये वाला पैन। तो ये वैसे 2000 का सेट है बट आफ्टर डिस्काउंट, दिवाली डिस्काउंट चल रहा था, हाँ मैंने दिवाली के टाइम पे लिया था, दिवाली डिस्काउंट चल रहा था, तो मुझे ये 999 रुपीज में मिला था। मुझे ये डील देख के मैंने कहा ये तो खरीद ही लेती हूँ, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ये होम सेंटर के ब्रांड का ही है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया। प्रोडक्ट था ना वो हमने गर्म करने के लिए रखा था बट उसका ये जो बेस है वो फट गया था, बट होम सेंटर वालों को मैंने कंप्लेन किया कि ये विद इन 15 डेज ऐसा हो गया, तो उन्होंने मुझे क्या करा, रिप्लेस करके एक दूसरी किट दे दी पूरी से मैं, हाँ तो मतलब 2 साल हो गए इसको भी, तो 2 साल से मैं अभी इसको यूज कर रही हूँ, तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, बट मुझे इनके स्टील में प्रॉब्लम लगती है। मुझे देखिए, ये देखिए ब्लैक ये जो स्पॉट्स दिख रहे हैं ना, ये इनके तीनों ही यूटेंसिल्स में ये ब्लैक स्पॉट्स आ गए। अब ये क्या चीज़ है, ये क्यों आ गए हैं, अगर आप लोगों को नॉलेज हो इसके बारे में तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्या है और ये क्यों आया है, और ये क्लीन भी नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनका जो स्टेनलेस, भले ही मैंने पैसे बचाने के चक्कर में एक सस्ती चीज़ में इन्वेस्ट करने का सोचा, बट इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। और दूसरा ये है, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, बहुत ऐसे कुकिंग वुकिंग तो नहीं करते, जैसे दाल रख दिया, बनाने के बाद दाल इसमें ट्रांसफ़र कर दी, सब्ज़ी ट्रांसफ़र कर दी, फिर सिर्फ गर्म करना है या सर्विंग वर्विंग के लिए ही हम इसको यूज़ करते हैं। ये जो प्रोडक्ट है ये फिर भी हम दूध वूध गर्म करने के लिए, जैसे 1/2 लीटर दूध आता है तो उसको गर्म करने के लिए हम इसमें यूज़ करते हैं। तो इसमें भी सेम प्रॉब्लम है, बॉटम है, इंडक्शन बॉटम है, और तो ये भी इंडक्शन फ्रेंडली है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट आते हैं वो है ये हमारा पैन, जो कि नया एडिशन है मेरे किचन में एंड बाय फार आई एम लविंग इट। इसको थोड़ा मेंटेन करना डिफिकल्ट होता है, मेंटेन इन द सेंस मींस आपको क्या करना था, जैसे ही आपने इसको मांजा या इसको क्लीन किया आपको तुरंत इसको वाइप अप करना है, उसके बाद ऑयलिंग करनी है, सीजनिंग करनी है, तो हर बार सीजनिंग करना थोड़ा इरिटेटिंग होता है। दो मेरे इस वाले जो ये जो है ना मेरा कहाँ गया, ये जो मेरा है तवा, इसमें मुझे अब सीजनिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यूज़ कर करके या तो ऐसा हो गया है। अगर आप काफ़ी ओल्ड यूज़र हैं इसके कास्ट आयरन के, तो प्लीज़ डू लेट मी नो कि ये एक टाइम के बाद ख़त्म होगा ऐसा सीजनिंग करना, या मुझे हमेशा ही सीजनिंग करना रहना पड़ेगा। तो मुझे हैंडल करने वैसे, मतलब विक्की के लिए मैंने स्पेशली लिया था कि उसको ऑमलेट वगैरह कुछ बनाना हो, बट उसने हाथ खड़े कर दिए कि वो इसको यूज़ नहीं करेगा एंड अब इसको मैं यूज़ करती हूँ। मैं डेली इसमें दाल का तड़का जो होता है वो मैं इसी में लगाती हूँ और दाल इसी में बघारती हूँ, क्योंकि इतनी सी दाल ही बनती है हमारी, तो ताकि पूरा आयरन वायरन हम ले लें। बट हाँ, इसको हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट है। इफ आई टॉक अबाउट यू नो आई स्टील के बर्तनों का, तो मुझे वो ज़्यादा ईजी टू यूज़ लगते हैं, माजा मुझा ये सब मेनटेन नहीं करना पड़ता है। लास्ट यूटेंसिल है पास, तो ये कितने लीटर का है, ये आई थिंक 4 लीटर्स का है, अगेन प्रेस्टीज डिलक्स अल्फा एंड इंडक्शन फ्रेंडली कुकर है, ये नया एडिशन है, ये अभी 2 महीने हुए आई थिंक इसको, 2-1.5 महीना हुआ है इसको लिए हुए। सो दिस वन इज़ बॉट बाई माई हस्बैंड, ये इसलिए परचेस किया है सो दैट उसको कुछ कुकिंग वुकिंग उसकी जो मैं नहीं खाती हूँ जो चीज़ें वो अपना पर्सनल इसमें कर सकता है। एक बार इसमें ऑल दो खिचड़ी बन चुकी है। तो यस, ये है नेक्स्ट प्रोडक्ट। तो सारे 15 यूटेंसिल्स मैंने आपको दिखा दिए, जो जो मैं अपनी डेली यूज़ में यूज़ करती हूँ फॉर माई डेली कुकिंग एंड ऑल।
ओके गाइस, सो आई फॉरगॉट टू शेयर दिस बर्गनर का ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील फ्राई पैन। ये 22 सेंटीमीटर्स का फ्राई पैन है, मीडियम कुकिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एंड इसको भी मैं डेली कुकिंग के लिए यूज़ करती हूँ। इसमें राइवेटेड कास्ट हैंडल है, इंडक्शन बेस है और इसका जो हैंडल है बिल्कुल भी जब आप कुकिंग करते हो तो गर्म नहीं होता है, आप आराम से इसको हैंडल कर सकते हो। एंड या दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी अमेजिंग, क्लीन करने में भी ये काफ़ी ज़्यादा ईजी है। एंड बाकी तो हमारे पास, हम लोग जो बॉटल यूज़ करते हैं वो हमारे पास स्टेनलेस स्टील है, जग हम यूज़ करते हैं वो स्टेनलेस स्टील है और खाना हम जिसमें खाते हैं वो स्टेनलेस स्टील के बर्तन हैं जो हम बहुत टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं। ये कुकिंग वाले अभी ऐड हुए हैं बट बाकी की चीज़ें तो हम वैसे ही, लाइफस्टाइल हमारा वही है जो हम पहले से खाते आ रहे हैं स्टील की चीज़ों में ही। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो एंड आपको चीज़ें पसंद आई हो एंड सबके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो बिल्कुल बेझिझक होकर के स्टील के बर्तनों को खरीद सकते हैं, बहुत सेफ होते हैं। तो आप मान के चलिए कि ये आपको 25-25 साल तक और आपकी एक हेल्थ का लिए इन्वेस्टमेंट है। सो बिल्कुल भी सेकेंड थॉट मत दीजिएगा खरीदने से पहले, आप बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं, जब आपका बजट अलाउ करे आप तब कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको सब एक साथ खरीदना, ये सब धीरे धीरे करके मेरे किचन में आए हैं, एकदम से नहीं आ गए हैं। कभी एक कढ़ाई लिया है, कभी एक सेट लिया है, ऐसे कर करके लिया है मैंने। सो यस, दैट्स इट फॉर माय वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।